तमिलनाडु के मामल्लपुरम में प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच होने वाले अनौपचारिक शिखर वार्ता के लिए दोनों नेता आज पहुंचेंगे तमिलनाडु। मामल्लपुरम भारत और चीन के बीच प्राचीन संबंधों का रहा है गवाह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा राफेल के आने से भारत की वायुसेना की क्षमता में बढ़ोतरी। कल फ्रांस से स्वदेश लौटने के बाद रक्षा मंत्री ने कहा अगले साल अप्रैल से मई के बीच में 7 राफेल विमान पहुंच जाएंगे भारत। बुलंदशहर के नरोरा में 7 श्रद्धालुओं को निजी बस से कुचलने से हुई मौत। मृतकों में 4 महिलाएं 3 बच्चे शामिल। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक मृतक परिवार के परिजन को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपीपीसीएस 2017 का परिणाम किया घोषित। प्रतापगढ़ के अमित शुक्ला ने किया टॉप, प्रयागराज के अनुपम मिश्रा दूसरे और प्रतापगढ़ की ही मीनाक्षी पांडे रही तीसरे स्थान पर। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अनौपचारिक शिखर वार्ता के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज तमिलनाडु के मामल्लपुरम पहुंचेंगे। 2 दिवसीय इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों देशों के प्राचीन सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों को और भी सुदृढ़ करने की कोशिश करेंगे। दोनों नेता ऐतिहासिक स्थल, समुद्र के किनारे बने मंदिर, अर्जुन की तपस्या भूमि और पंचरथ का भी दौरा करेंगे। सत्ताईस अप्रैल 2018 2 दिवसीय वुहान अनौपचारिक शिखर वार्ता का पहला दिन इस मनमोहक धुन के साथ खत्म हुआ। चीन ने कहा ये वादा रहा जो भारत के साथ चलने की प्रतिबद्धता को दर्शाया गया। इसी वादे की मर्यादा रखते हुए चीन के राष्ट्रपति शी चेन्नई की धरती पर शुक्रवार को आ रहे हैं। राष्ट्रपति शी की भव्य मेजबानी के लिए मंच सज कर तैयार हो चुका है। दोनों नेता ऐतिहासिक स्थल समुद्र के किनारे बने मंदिर, अर्जुन की तपस्या भूमि और पंचरथ का दौरा करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी के बीच चेन्नई स्थित मछुआरों की छोटी खाड़ी में प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत होगी। बात करें वुहान शिखर अनौपचारिक वार्ता की तो दोनों नेताओं ने पूर्वी झील के किनारे चहलकदमी की थी। तब दोनों नेताओं के बीच आपसी विश्वास को बढ़ाने, सैन्य ताकत को मजबूत करने के लिए रणनीतिक भागीदारी को बढ़ाने पर सहमति बनी थी। It's an opportune time that the two leaders are meeting and I do hope that the understanding reached between the two leaders at the end of the two-day summit will provide some stability and predictability to the bilateral relations. तब दोनों ही नेता बेतकल्लुफी के साथ पूर्वी झील में नौका विहार के लिए निकल पड़े थे। गौरतलब है कि दो देशों के बीच संबंध को प्रगाढ़ बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी इस तरह ही राष्ट्र प्रमुखों की मेजबानी करते दिखे हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी के बीच तब कई मुद्दों पर चर्चा हुई। चाय की चुस्कियों के बीच चर्चा और साथ ही चीनी राष्ट्रपति को भारत में कीतली के इस्तेमाल को बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी, दोनों नेताओं ने आपस में भारत चीन के सहयोग की नई इबारत लिखी। एशिया के दो बड़े नेताओं के बीच तब 24 घंटों के भीतर 6 मुलाकात हुई थी जिसमें व्यापार, पर्यटन, लोगों से लोगों के बीच संवाद और अन्य क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई थी। इसमें आतंकवाद को लेकर भी चर्चा की गई, जिसकी पहचान विश्व की सबसे बड़ी समस्या के रूप में की गई। वुहान शिखर वार्ता के 5 हफ्तों के भीतर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी एक बार फिर किंग डाओ में मिले। ये 4 सालों के भीतर ही दोनों नेताओं के बीच 14वीं मुलाकात थी। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मुलाकात के बाद 2 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे। पहले समझौते के तहत
चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ के दौरान जल विज्ञान संबंधी जानकारी दिए जाने की बात थी, तो दूसरे में भारत द्वारा चीन को चावल निर्यात करने की सुविधा मुहैया कराना था। साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी के बीच जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात हुई थी। इसके अलावा ब्यूनस आयर्स में G20 शिखर सम्मेलन के इधर भी मुलाकात हुई। 2019 में दोनों नेता बिश्केक में SCO शिखर सम्मेलन के दौरान भी मिले थे। वहीं ओसाका में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के इधर भी दोनों की मुलाकात हुई थी। इस साल मामल्लापुरम में यह तीसरी मुलाकात होगी। 21वीं सदी को एशिया की सदी कहा जाता है और इस महाद्वीप के दो बड़े देशों के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी इस सपने को हकीकत में बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तमिलनाडु के शहर मामल्लपुरम में प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच आज से 12 अक्टूबर तक दूसरी अनौपचारिक शिखर वार्ता के लिए पूरे शहर को अभेदिक किले में तब्दील कर दिया गया है। साथ ही इलाके का सौंदर्यीकरण भी किया गया है। इस शहर का ऐतिहासिक महत्व है कि यह चीन से सदियों पहले से जुड़ा हुआ है। तमिलनाडु का यह प्राचीन शहर अपने भव्य मंदिरों और स्थापत्य सागर तटों के लिए बेहद लोकप्रिय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मामल्लापुरम में होने जा रही है ऐतिहासिक मुलाकात। दोनों देशों के बीच शताब्दियों से स्थापित संबंधों को एक कदम और आगे ले जाने वाली साबित हो सकती है। इस अनौपचारिक मुलाकात के लिए जिस जगह का चुनाव किया गया है वो दोनों देशों के बीच 1700 साल पुराने संबंधों की राजदार है। तमिलनाडु का ये प्राचीन शहर अपने भव्य मंदिरों, स्थापत्य और सागर तटों के लिए बेहद लोकप्रिय है। द्रविड़ वास्तुकला की दृष्टि से ये शहर अग्रणी स्थान रखता है। 7वीं शताब्दी में ये शहर पल्लव राजाओं की राजधानी रहा और इस दौरान चीन के साथ कई स्तरों पर संबंध भी थे। दरअसल इस क्षेत्र में काफी समय पहले चीन, फारस और रोम के प्राचीन सिक्के मिले थे। इतिहासकारों के मुताबिक ये इस बात के सबूत देते हैं कि यहाँ पर बंदरगाह के जरिए इन देशों के साथ व्यापार होता था। माना जाता है कि 6वीं और 7वीं शताब्दी के दौरान चीनी श्रद्धालु कांचीपुरम आए। इतिहासकारों का कहना है कि चीनी व्यापारी हुआन चियांग ने यहाँ का दौरा किया, जिसका स्वागत महेंद्र पल्लव ने किया। ऐसा माना जाता है कि चीन के लोगों के लिए यह शहर काफी पहले से जाना पहचाना रहा और वे यहाँ व्यापार के लिए आते थे। पल्लव वंश का राज था और पल्लव वंश के राजा नरसिंह द्वितीय ने तब चीन के साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अपने दूतों को चीन भेजा था। इसी के पास बसे कांचीपुरम का भी चीन के साथ पुराना संबंध रहा है। चीन और भारत के बीच व्यापार के अलावा आध्यात्मिक संबंध भी रहे। इतिहासकारों का मत है कि चीन में लंबा समय व्यतीत करने वाले बोधि धर्म का संबंध पल्लवों से था। गौरतलब है कि बोधि धर्म एक महान भारतीय बौद्ध भिक्षु और विलक्षण योगी थे। उन्होंने 520 ईस्वी में चीन जाकर ध्यान संप्रदाय का प्रवर्तन और निर्माण किया। उन्होंने अपनी चीन यात्रा समुद्री मार्ग से की। वे चीन के दक्षिणी समुद्री तट के कैंटन बंदरगाह पर उतरे। पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अनौपचारिक बातचीत राजधानी दिल्ली के इधर हो रही है। इससे पहले भी पीएम मोदी ने विश्व नेताओं के दौरों के दौरान अतुल्य भारत के द्वार खोले हैं। जापान के राष्ट्रपति शिंजो आबे जब भारत के दौरे पर आए थे तो उन्होंने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम का दौरा किया था। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का स्वागत पीएम मोदी ने अहमदाबाद में किया और उन्होंने साबरमती रिवर फ्रंट का दौरा भी किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की वाराणसी और मिर्जापुर में आगवानी की गई। वहीं पीएम मोदी की वुहान में राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ मुलाकात का एक दूसरा मौका था जब ये बीजिंग शहर के इधर आयोजित हुआ था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि राफेल के आने से भारत की वायुसेना की क्षमता में काफी बढ़ोतरी होगी। कल फ्रांस से स्वदेश लौटने के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि अगले साल अप्रैल से मई के बीच में 7 राफेल विमान भारत पहुंच जाएंगे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि राफेल जैसी फाइटर प्लेन अथवा मिलने के परिणाम स्वरूप हमारे भारत की वायुसेना की मारक क्षमता, कम्बैट कैपेबिलिटी, ये निश्चित रूप से बढ़ेगी। लेकिन हम अपनी, चाहे हमारी आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे वायुसेना हो, यदि हम उसकी क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो किसी को डराने का हमारा उद्देश्य नहीं है, किसी को धमकाने का उद्देश्य नहीं है। न हम किसी से डरेंगे, न हम किसी को डराएंगे। हमारा सीधा सिद्धांत यही है, लेकिन हम अपनी क्षमता को बढ़ाते रहेंगे। अप्रैल तक मैं समझता हूँ कि 7 अप्रैल मई तक 7 राफेल भारत में आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के नरोरा में हुए सड़क हादसे में मारे गए 7 श्रद्धालुओं के प्रदेश सरकार ने मुआवजे की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रत्येक मृतक परिवार के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की धनराशि दिए जाने की घोषणा की। बुलंदशहर के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने सीएम द्वारा मुआवजे के दिए जाने की जानकारी दी। इससे पहले उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के नरोड़ा में बीती रात्रि गंगा घाट के किनारे लिंक रोड पर सो रहे 7 श्रद्धालुओं को एक निजी बस ने कुचल दिया। इस दुर्घटना में सभी 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 7 मृतक में 4 महिला 3 मासूम बच्चे शामिल हैं। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतकों की शिनाख्त कराई और पंचनामा कराया। आरोपी बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने बस को गिरफ्त में ले लिया है। बताया जा रहा है कि मृतक देवियों के दर्शन करने के बाद नरोड़ा राजघाट गंगा स्नान करने आए थे और सभी हाथरस के थे। कुचलने वाली बस और जिस बस में मृतक आए थे दोनों ही निजी टूरिस्ट बस सेवा में लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपीपीसीएस 2017 का परिणाम घोषित कर दिया है। इस भर्ती में 22 डिप्टी कलेक्टर और 90 डिप्टी एसपी समेत पीसीएस संवर्ग के 27 प्रकार के 676 पदों का चयन किया गया है। प्रतापगढ़ के अमित शुक्ला ने पीसीएस 2017 में टॉप किया है। प्रयागराज के अनुपम मिश्रा को दूसरा स्थान मिला है, जबकि तीसरे स्थान पर प्रतापगढ़ की ही मीनाक्षी पांडे हैं। मीनाक्षी पीसीएस 2017 में महिला वर्ग की टॉपर भी हैं। इस भर्ती का साक्षात्कार इसी 1 अक्टूबर को पूरा हुआ था। उम्मीदवार uppcs.up.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2017 के परीक्षा परिणाम सितंबर की शुरुआत में जारी किया था। इसके बाद इंटरव्यू 16 सितंबर से शुरू हुए थे। पीसीएस 2017 की मुख्य परीक्षा पिछले साल जून जुलाई 2018 में आयोजित की गई थी, लेकिन पीसीएस के 676 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा का रिजल्ट लगभग 1 साल बाद आया है। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टीसनशिप ये सब मेंटेन कर पाऊँ, और जो वल्नरेबल सेक्शन है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी उनके लिए अगर मैं कुछ काम कर पाऊँ तो मेरे लिए बेटर रहेगा। रिसोर्स एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, गवर्नेंस को मेंटेन करना ये मेरी प्राथमिकता रहेगी, और जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, उनका एग्जीक्यूशन प्रॉपर करना, ये देखना कि उनका मॉनिटरिंग और इवेल्यूशन प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं। तो एक डिप्टी कलेक्टर के रूप में मेरे रोल रहेंगे जिनको मैं पूरी तरह से निभाने की कोशिश करूँगा। और महिलाओं के लिए हमेशा से ही कुछ करने का मन में जज्बा था, तो बस उनके लिए और भी समाज के और वर्ग के लिए भी स्पेशली महिलाओं के लिए काम करना चाहती हूँ। अक्टूबर के इस महीने में तोहफों की बारिश में केंद्र सरकार ने एक और इजाफा किया है। केंद्र सरकार ने गाजियाबाद को एक बड़ा तोहफा दिया है। आज से गाजियाबाद के हिंडन हवाई अड्डे से विमान सेवा शुरू होने जा रही है, जिसमें गाजियाबाद के अलावा आसपास जनपदों के लाखों लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा। हिंडन एयरपोर्ट से पहली हवाई सेवा गाजियाबाद से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के बीच शुरू होगी। ये हवाई सेवा हफ्ते में 6 दिन चालू रहेगी। पहली हवाई सेवा यानी यात्रा हेरिटेज एयरवेज की होगी, जिसका अराइवल टाइम 12:30 बजे होगा और 1 बजे यहां से डिपार्चर करेगी, जिसके बाद अगले माह 6 नवंबर से दूसरी हवाई सेवा हुबली के लिए शुरू हो जाएगी। हवाई सेवा शुरू होने से पहले अभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अड्डे पर विमानपत्तनम के अधिकारियों के अलावा स्थानीय पुलिस प्रशासन चौकन्ना नजर आया है और निरीक्षक कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए अधीनस्थों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। कल पहली फ्लाइट हिंडन हवाई अड्डे से जाएगी जी। जो कि एयर हेरिटेज की है, और ये लोग पिथौरागढ़ से हिंडन और हिंडन से पिथौरागढ़ शुरू कर रहे हैं। 12:30 बजे इसका अराइवल है हिंडन एयरपोर्ट पे जी। और 1 बजे यहाँ से जाएगी। नवंबर में 6 नवंबर से शुरू कर रहे हैं स्टार एयर अपनी फ्लाइट जी, हुबली और हिंडन के बीच में। ओके। हुबली से हिंडन फिर वापस हिंडन से हुबली। ये एयरपोर्ट जो सिविल वाला है जी, ये तकरीबन 22,050 मीटर है। हिंडन हवाई अड्डा तकरीबन 22,050 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। आने वाले समय में हिंडन हवाई अड्डे से देश के बाकी हिस्सों के लिए भी गाजियाबाद और आसपास के जनपदों की जनता के लिए अन्य हवाई सेवाएं शुरू की जाएंगी। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अपने 3 दिवसीय ताज नगरी आगरा के दौरे पर हैं। दौरे के तीसरे दिन आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल डॉक्टर बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय के 85वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी।
उनके साथ उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले गुरुवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आगरा किला और सिकंदरा मकबरे का दीदार किया। राज्यपाल ने कल सुबह सबसे पहले आगरा किला पहुंचकर किले का दीदार किया और उसके इतिहास के बारे में गाइड से जानकारी भी ली। इस दौरान उन्होंने आगरा किला में फोटो भी खिंचाए और जमकर तारीफ की। आधे घंटे में से अधिक समय तक आगरा किला का भ्रमण करने के बाद आनंदीबेन पटेल ने सिकंदरा मकबरा पहुंचकर वहां भ्रमण किया। सिकंदरा स्मारक का भ्रमण करने के बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दयालबाग स्तंभ राधास्वामी मठ पहुंची। सफेद संगमरमर से बने इस मठ की पच्चकारी की जमकर उन्होंने तारीफ की। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। बहराइच के बलहा विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए गुरुवार को भाजपा द्वारा पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन को केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने संबोधित किया। इस मौके पर साध्वी निरंजन ज्योति ने भाजपा प्रत्याशी श्रीमती सरोज सोनकर के पक्ष में वोट डालने की अपील करते हुए कहा कि उपचुनाव की भी सीटों पर भाजपा ही जीतेगी। उपचुनाव सारे जीतेंगे और सरोज जी विधानसभा में पहुंचेंगे और हमारी सरकार चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो केंद्र की सरकार हो हम लोग जनहित के काम कर रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष या परिवार के लिए नहीं काम कर रहे हैं। और बलहा के लिए मेरा इतने संदेशा है कि बलहा विधानसभा का विकास हो इसके लिए सरोज जी को जिताएं और इस विधानसभा के लिए सरोज जी काम करेंगी। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जिनके पति सीमा में लगे देश की सेवा कर रहे हैं और जिस परिवार में सैनिक होता है उस परिवार के लोग मुझे मालूम है कि देश के लिए कितने वफादार होते हैं। उनकी पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, जब वो जीतेंगी तो उसी वफादारी से क्षेत्र का काम करेंगे। बाराबंकी की विधानसभा सीट जैतपुर में होने वाले उपचुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का रैंडमाइजेशन कल एनआईसी से चुनाव प्रेक्षक अनुनय भाटिनी की उपस्थिति में कराया गया। उम्मीदवारों के चुनाव चिन्ह और नाम की सेटिंग करने के बाद मशीनों को स्ट्रांग रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। 21 अक्टूबर को जैतपुर विधानसभा क्षेत्र के 445 बूथों पर होने वाले मतदान को लेकर पोलिंग पार्टियों को नवीन मंडी स्थल से रवाना किया जाएगा। मतदान के बाद इसी स्थल पर बनाए जा रहे स्ट्रांग रूम में ईवीएम को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लाकर उसको रखने का इंतजाम है। मतगणना भी नवीन मंडी परिसर में 24 अक्टूबर को होगी। हमारा पोलिंग का दिन जो होता है उससे 12 दिन पूर्व जो है रैंडमाइजेशन होता है, जो ईवीएम और वीवीपैट मशीन है जिसमें कि हर ईवीएम और वीवीपैट मशीन का जो यूनिक सीरियल नंबर होता है उसके सापेक्ष पोलिंग बूथ जो है अलॉट होता है। वो आज प्रोसेस हुई है, उसकी सूची जो है सभी राजनीतिक दलों को दे दी गई है और अब हमारी कैंडिडेट सेटिंग की प्रक्रिया कल से आरंभ होगी मंडी में, जिसमें कि हम लोग जो हमारे प्रत्याशी हैं उनके बैलेट पेपर जो कर रहे हैं वो प्रत्येक मशीन में लगाए जाएंगे और बाकी जो एक्सरसाइज होती है मॉक पोल वगैरह की वो सब की जाएगी ताकि चुनाव के दिन ईवीएम मशीनों का जो प्रयोग है वो अच्छी तरह से हो सके और कोई दिक्कत उस दिन ना आए। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी ग्राम विकास बैंक और राज्य निर्माण सहकारी संघ द्वारा सर्वाधिक ऋण वितरण जमा वसूली के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया। कल लखनऊ में आयोजित सम्मान समारोह में सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने पुरस्कार वितरित करते हुए कहा कि बेहतरीन कार्य करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित करने से उनमें जहां एक तरफ और बेहतर कार्य करने की लगन रहती है वहीं इस तरह के प्रोत्साहन से अन्य लोगों में भी बेहतर कार्य करने की प्रेरणा भी जागृत होती है। उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है वो पुरस्कृत हों, ऐसे इन सबको पुरस्कृत किया गया है और ये प्रदेश के लिए एक उदाहरण है कि हमारे यहाँ इतना श्रेष्ठ कार्य करने वाले लोग मौजूद हैं कि आज उत्तर प्रदेश में एक कीर्तिमान है कि 13 करोड़ रुपया एक दिन में वसूल करके किसी भी उसमें नहीं दिया गया, 13 करोड़ से ऊपर हमारे यहाँ ग्रामीण विकास बैंक ने एक दिन में वसूला, एक कीर्तिमान है और ये करके दिखाया है, इन्हीं लोगों ने किया है इसलिए उनको पुरस्कृत करने का काम किया गया। वाराणसी में इंडिया कॉर्पोरेट एक्सपो का आयोजन आज से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में शुरू होगा। कालीन निर्यात संवर्धन परिषद भारत सरकार के सहयोग से इस बार 38वां इंडिया कॉर्पोरेट एक्सपो का आयोजन आज से शुरू होकर 14 अक्टूबर 2019 तक होगा।
इस कालीन मेले का उद्देश्य कालीन और अन्य फ्लोर कवरिंग के सांस्कृतिक विरासत और बुनाई कौशल को बढ़ावा देना है। कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन सिद्धार्थ नाथ सिंह ने एक प्रेस वार्ता में यह कर बताया कि इस कालीन मेले में 400 से अधिक खरीदार विभिन्न देशों से आ रहे हैं, जिसमें से अमेरिका से 57 और चीन से 36 खरीदार इसमें भाग लेंगे। इस मेले में पूरे भारत से 230 निर्यातक अपना स्टॉल लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार 500 से 600 करोड़ के ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। कालीन मेले का उद्घाटन केंद्र सरकार में वस्त्र मंत्रालय के सचिव रवि कपूर करेंगे। जिस तरीके से बायरों का रुझान है, मुझे लगता है हर साल 300 से 400-500 करोड़ का होता था बिजनेस, इस साल मुझे ज़्यादा की उम्मीद है। इसलिए करीब 3 साल से बहुत अच्छा बिजनेस नहीं हुआ और बायर इस बार ज़्यादा आ रहे हैं, हमें उम्मीद है कि ज़्यादा काम होगा। बायर लगभग 400 के लगभग बायर है। बायर सबसे ज़्यादा 48 बायर हमारे अमेरिका से हैं और 57 और 36 बायर चाइना से आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग तथा निर्यात प्रोत्साहन राज्य मंत्री चौधरी उदय भान सिंह ने कहा है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसके तहत नोएडा ने रेडीमेड गारमेंट के क्षेत्र में खास पहचान बनाई है। सेक्टर 62 स्थित एक्सपो सेंटर में आयोजित ODOP रेडीमेड गारमेंट प्रदर्शनी उद्यम समागम का उद्घाटन करने के बाद चौधरी उदय भान सिंह ने कहा कि बड़े सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को भी आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा सरकार निवेश के लिए अच्छा वातावरण देने के लिए भी सरकार वचनबद्ध है। देश का नौजवान अपने पैरों पर खड़ा हो, स्वावलंबी कैसे बने, यह सरकार की सबसे बड़ी योजना है। उन्होंने कहा सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णतः प्रतिबंध के प्रति सरकार बेहद गंभीर है। उनकी कोशिश है कि दैनिक जीवन में प्लास्टिक का उपयोग कम से कम हो, जिससे प्रदूषण को रोका जा सके। एक जिला एक उत्पाद सरकार की पहली प्राथमिकता है। उस प्राथमिकता के आधार पर नोएडा ने भी अपना स्थान बनाया है गारमेंट के अंतर्गत। उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए संपूर्ण उत्तर प्रदेश में उद्गम समारोह हो रहे हैं। चाहे जैसे हो, लेकिन देश का नौजवान अपने पैरों पर खड़ा हो, वह स्वावलंबी कैसे बने, ये सरकार की सबसे बड़ी योजना है। और उसी योजना के अंतर्गत ये उद्योग आता है, चाहे वो सूक्ष्म उद्योग हो, चाहे वो लघु उद्योग हो, चाहे वो मध्यम हो। जनपद हमीरपुर मुख्यालय के जिला उद्योग केंद्र में उद्यम समागम और एक जनपद एक उत्पाद के तहत प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन हमीरपुर के DM अभिषेक प्रकाश ने किया। प्रदर्शनी में हमीरपुर के कई उद्यमियों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनी में लगे स्टॉलों का DM अभिषेक प्रकाश, नगर पालिका चेयरमैन कुलदीप निषाद, मुख्य विकास अधिकारी राम कुमार ने प्रदर्शनी में लगे सभी स्टॉलों का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में आए उद्यमियों को उद्योग विभाग द्वारा उद्यम स्थापित करने तथा विभागों से मिलने वाले सुविधाओं की जानकारी भी दी गई। और 5 साल पहले मैं समूह से जुड़ी थी। समूह से जुड़ने के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं था। उसके बाद में से साल भर हम 7-8 साल हमने समूह चलाया। हमें 15,000 का NRLM से हमें RF मिला। उसके बाद में हमारा CCL हुआ, उसमें 1,10,000 मिला था। और उससे हमने समूह की महिलाओं से, जब हम लोगों ने टेडीबेयर की ट्रेनिंग ली थी, तो समूह की महिलाओं से हमने ये कहा कि चलिए हम लोग, अगर हम लोगों ने ट्रेनिंग ली है NRLM की तरफ से, तो हम ये काम भी शुरू करते हैं। तो काम शुरू किया हम लोगों ने। और हमारे साथ महिलाएं, पहले शुरुआत में 10 महिलाएं थी और आज हमारे साथ में 50-60 महिला से 10 महिलाएं काम कर रही हैं। ODOP के लिए जनपद में जूती उद्योग को लिया गया है, जिसके ऊपर आज विस्तृत रूप से चर्चा भी हुई और कोशिश ये हुई कि सुमेरपुर क्षेत्र में एक क्षेत्र अलग से चिन्हित किया गया है इनके दुकानों के लिए। यहाँ पर एक साथ कई सारी दुकानें इनको अगर आवंटित की जाएगी, उससे फ़ायदा लाभ ये होगा कि जो हमारे उद्यमी हैं इनको भी एक चिन्हित क्षेत्र में अपने प्रोडक्ट्स के डिस्प्ले और सेलिंग के लिए मिलेगा। और जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो जनपद के नहीं, क्योंकि सुमेरपुर हाईवे पे है, तो उस हाईवे पे आने जाने वाले लोगों को भी एक स्पेसिफिक एरिया पता रहेगा कि कहाँ पर इस उत्पाद को वो ले सकते हैं। साथ ही साथ ये भी कोशिश होगी कि जो हमारे NRLM के स्वयं सहायता समूह, जो हमारे अन्य कुटीर उद्योगों से उत्पाद बना रहे हैं, इन लोगों को अब हम ऑनलाइन भी इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से, ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से, ताकि ये ऑनलाइन भी यहाँ पर इन प्रोडक्ट की डिलीवरी हो सके और इनको ऑनलाइन ऑर्डर भी मिल सके। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में खादी ग्राम उद्योग की प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई कारीगरों ने अपने स्टॉल लगाए।
इसमें कपड़ों से लेकर मिट्टी के बर्तन, आंवला से उत्पादित सामान, ग्रीन टी प्रोडक्ट समेत कई उत्पादन प्रदर्शित किए गए। निफ्ट के पास साउथ कानपुर की लड़की ने लोगों को एक संदेश दिया है कि वो नौकरी के बजाय रोजगार करें, जिससे आगे बढ़ने के ज्यादा अवसर मिल सकें, वहीं लोगों को रोजगार भी दे सकें। खादी ग्रामोद्योग के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कक्कड़ ने बताया कि अब तक लगभग 1,40,00,000 की बिक्री हो चुकी है। 13 अक्टूबर तक 2.5 करोड़ के आसपास ये बिक्री पहुंचने की उम्मीद है। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन कर रही उन इकाइयों को बढ़ावा देना है जो ग्रामीण स्तर पर लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रही हैं तथा बाजार में प्रतिस्पर्धा करके अपने सामान को बेचने लायक भी बना रही हैं। बेसिकली मैंने 4 साल बैंगलोर में जॉब किया था और मैंने डिज़ाइन किया था विदेशी ब्रांड्स के लिए, केल्विन क्लेन, टॉमी हिल फिगर, इन सब के लिए। तो मुझे कुछ ज़्यादा खास मज़ा नहीं आ रही थी उनकी डिज़ाइनिंग में और उनका, जब से मैंने फिर मैंने सोचा कि मुझे अपना कुछ करना है और मुझे शुरू से ही खादी पे बहुत इंटरेस्ट रहता था कि हमारा ये जो कपड़ा है उसकी तरफ हमारा यूथ ध्यान ही नहीं दे रहा है, मतलब देख ही नहीं रहा है उस तरफ, और हम भागते जा रहे हैं कॉरपोरेट वर्ल्ड की तरफ और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ की तरफ, जो हमारे रूट्स हैं हम कहीं ना कहीं उसे छोड़ते जा रहे थे। तो इसलिए मैंने वापस अपने घर आके, मतलब कानपुर आके, वापस से ये पूरा नया शुरू किया है और अपने रूट से जुड़ने का एक नया तरीका निकाला है। तो हमने आंवले का जो आंवले की जड़, छाल, गूदा, पत्ती, उसका पेस्ट और 16 पाचक हर्ब्स के तौर पे मोर ओवर एक सर्टन रेशियो में ये पेस्ट डेवलप किया है और लकड़ी के कोलू से निकला हुआ मोर ओवर रस है जो बिना एक बूंद पानी और बिना बॉइलिंग के उपलब्ध है। कि अगर किसी व्यक्ति को एक आंवले से निचोड़ा रस 50 से 70 ml लगभग आधा कप और एक आंवले का गूदा लगभग आधा कप हम डाल करके देते हैं तो अमूमन 300 सेकंड या 5 मिनट के अंदर, ऐसा देखा जा रहा है, जितनी भी गैस बनी है बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर वो गैस्ट्राइटिस के तौर तुरंत डगार के रूप में निकल जा रही है। अगर गला वगैरह चल रहा है तो तुरंत न्यूट्रलाइजेशन में जा रहा है। इसी तरह का कोई केमिकल नहीं है, प्योर शहद और रोस्टेड बादाम। ये हमारे सर हैं वकील साहब त्रिभुवन पाल जी, उन्होंने रिसर्च किया है इसको, ये उन्हीं की 30 साल की मेहनत है जी, जो आज हम ये आइटम आपके लिए लेके आए हैं बाज़ार में। ये प्रदर्शनी लगाने का उद्देश्य विभाग का ये होता है कि हमारे विभिन्न योजनाओं में प्रदेश के बहुत जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में जो परंपरागत कारीगर हैं वो एक से एक बेहतरीन बढ़िया उत्पाद बना रहे हैं, परंतु छोटी कम पूंजी लागत से वो काम करते हैं और बड़े शहरों में उनके उत्पाद नहीं पहुंच पाते। इसके लिए विभाग जो प्रत्येक वर्ष प्रत्येक मंडल में प्रदर्शनियों का आयोजन करता है। फतेहपुर जिले के प्राथमिक विद्यालय पहरवापुर के प्रधानाचार्य नीलम भदौरिया ने अपने अथक परिश्रम से विद्यालय की तस्वीर बदल दी है। कानपुर बांदा रोड से गुजरते समय बिंदकी कस्बे के पास रंग बिरंगे पेंटिंग से सजी चार दीवारी, साक्षरता का संदेश देते स्लोगन, महापुरुषों के चित्र और एक चमचमाता प्रवेश द्वार अपनी नजर को ठहरा देगा। जैसे ही आपकी नजर गेट पर लिखे प्राथमिक विद्यालय पहरवापुर पर पड़ेगी तो आपको विश्वास नहीं होगा कि यह सरकारी स्कूल है। इस विद्यालय की खासियत यह है कि यहां आधुनिक तरीके से बच्चों को शिक्षा दी जाती है। पहरवापुर प्राथमिक विद्यालय में निशुल्क गरीब बच्चे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से अपडेट क्लासरूम में पढ़ते हैं। ICT स्मार्ट क्लासरूम में बच्चों को पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो और फिल्म दिखाई जाती है जिससे बच्चे सरलता से सीख जाते हैं। बच्चों को नीलम भदौरिया ने खुद के खर्च से स्कूल डायरी और अतिरिक्त गतिविधियों के लिए लोअर टी शर्ट का वितरण किया है। फिर यहाँ के मैम के साथ मिलकर बच्चों को और ज़्यादा अच्छी तरह से करने में, बच्चों की पढ़ाई में और मदद करने में, इस तरह से मैम का पूरा सहयोग करके मैम के साथ साथ बच्चों का पूरा विकास करने में मदद। आज बॉलीवुड के शहंशाह और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का 77वां जन्मदिन है। मेगा स्टार के फैंस इस मौके पर खासा उत्साहित हैं और सब अपने अपने तरीके से अपने चहते स्टार का जन्मदिन मना रहे हैं। तो इस मेगा स्टार के जन्मदिन की खबर के साथ अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु का मामल्लपुरम प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच होने वाली अनौपचारिक शिखर वार्ता के लिए तैयार। दोनों नेता सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज पहुंचेंगे तमिलनाडु। मामल्लपुरम भारत और चीन के बीच प्राचीन संबंधों का रहा है गवाह।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, राफेल के आने से भारत की वायुसेना की क्षमता में बढ़ोतरी। कल फ्रांस से स्वदेश लौटने के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि अगले साल अप्रैल से मई के बीच में 7 राफेल विमान पहुंच जाएंगे भारत। बुलंदशहर के नरोरा में 7 श्रद्धालुओं की निजी बस से कुचलने पर हुई मौत। मृतकों में 4 महिलाएं 3 बच्चे शामिल। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक मृतक परिवार के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपीपीसीएस 2017 का परिणाम किया घोषित। प्रतापगढ़ के अमित शुक्ला ने किया टॉप, प्रयागराज के अनुपम मिश्रा दूसरे और प्रतापगढ़ की ही मीनाक्षी पांडे रही तीसरे स्थान पर। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।